सोलन का अस्पताल जहां हिमाचल के 3 जिलों के रोगी अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। इस अस्पताल का विस्तार लगातार किया जा रहा है। पहले इसका एक ही भवन होता था, कुछ वर्ष पहले 3 नए भवन बनाए गए हैं जिसमें गायनी वार्ड चिल्ड्रन वार्ड चल रहे हैं। नए भवनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहां ज्यादा रोगियों का इलाज हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पुराने भवन को खाली कर नए भवन को भर दिया गया है। स्थिति जस की तस बनी हुई है। जितने रोगियों को पहले सेवाएं दी जाती थी उतने ही रोगियों को अब भी सेवाएं दी जा रही हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि नया भवन देखकर केवल श्रेय लेने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य सेवाएं वही हैं जो पहले दी जा रही थी। कोविड संकट में जहां संक्रमण का ज्यादा खतरा है, वहीं गायनी वार्ड में एक एक बेड पर दो दो महिलाओं को भर्ती किया गया है, जिसके चलते कई महिलाएं संक्रमित भी हो चुकी हैं। ये हम नहीं बल्कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। गायनी वार्ड में इस समय इतनी ज्यादा एडमिशंस हो रही हैं, एक एक बेड पे दो भी रखने पड़ रहे हैं। कोरोना को देखते हुए हम उनकी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग जो सिम्टोमेटिक नहीं है या जिनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है उनको घर भेज दें। जब इस बारे में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि एक बेड पर दो महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अभी इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी हासिल करेंगे, अगर ऐसा है तो वे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, चिकित्सकों की संख्या को ज्यादा किया जा रहा है, अन्य स्टाफ भी तैनात किया जा रहा है। जिन चिकित्सकों की कमी थी उनको यहाँ लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए भवन का निर्माण कार्य जल्द आरंभ होने वाला है, उसके बनते ही शहर में चिकित्सा सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ समस्याओं का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा तो मेरे ध्यान में नहीं है कि एक बेड के ऊपर दो महिलाएं जो हैं वो वहाँ पर ऐसा रखी जा रही हैं। फिर भी अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहीं इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, उनसे बात करूँगा इस विषय के ऊपर और व्यवस्थाओं को ठीक करने का जो है हम प्रयास करेंगे। अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर जो हैं नए आए हैं, काफ़ी समय से डॉक्टरों की कमी जो महसूस की जा रही थी तो काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पर ज्वाइन भी किए हैं, ये अच्छा भी हुआ है। और ये जो समय है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा सावधानी जो है वो रखने की आवश्यकता है। जो हमारा हॉस्पिटल प्रशासन है वो तो ठीक है, उसको तो रखना ही है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी जो अस्पताल में आता है उसको भी सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का प्रयोग जो है ये करना है। इसमें मुझे लगता है कि अब सारी इन समस्याओं का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं समाधान हो जाएगा। भूमि जो है वो चिन्हित हो चुकी है नए अस्पताल की बिल्डिंग के निर्माण के लिए और प्रक्रिया जो है वो जारी है, बहुत जल्दी वहाँ उसका जो है नए अस्पताल की बिल्डिंग का जो है शिलान्यास करेंगे। और नई बिल्डिंग जब बन करके आएगी तो क्योंकि ये काफ़ी पुराना जो है वो बिल्डिंग है, बहुत पहले ये बनी थी और अब जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स भी बढ़ गए हैं और जिन एरियाज़ को ये केटर करता है दूर दूर से यहाँ पर जो जो है वो रोगी आते हैं, संख्या बहुत है रोगियों की आने की, लेकिन क्षमता अस्पताल की जो है उतनी ही है, तो उसका जो विकल्प है वो एक ही है कि हमारा जो नई बिल्डिंग है हॉस्पिटल की वो जल्दी बने। तो उसके लिए सरकार जो है वो प्रयासरत है, बहुत जल्दी जो है इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा।